बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल आकाश एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। काबीना का इजलास जारी है। डीजी एफआईए वाजिद जिया ने चीनी आटा बहरान पर रिपोर्ट तैयार करके वजीर आजम और उनकी काबीना के सामने पेश कर दी है और क्या इतलात हैं ताज़ा तरीन वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। विफाकी काबीना ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है जो विफाकी काबीना ने आज ये फैसला सुनाया है, बहुत बड़ा फैसला है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का खसूसी इजलास अभी जारी है, जिस दौरान डी जी एफ आई ए वाजिद ज़िया ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर विफाकी काबीना को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इस मौके पर विफाकी काबीना ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया। काबीना ने रिपोर्ट पब्लिक करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में मफादात के टकराव का भी जिक्र किया गया है। इंक्वायरी कमीशन ने हुकूमत, अपोजिशन और शुगर मिल मालकान में से बेशतर को कसूरवार ठहरा दिया। असद उमर, रजाक दाऊद और पंजाब काबीना रिपोर्ट में कसूरवार निकली। जहांगीर तरीन, खुसरू बख्तियार, मुनिस इलाही भी कसूरवार ठहराए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुगर मिल मालकान ने सेल टैक्स चोरी की और जेली फरोख में मुलविस निकले सुलेमान शाहवाज की शुगर मिल भी कसूरवार करार दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत देना गलत फैसला था, चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी का फैसला भी गलत था। ईसीसी और काबीना के फैसलों पर रिपोर्ट में सवालिया निशान लगा दिया गया। ताहम काबीना ने चीनी स्कैंडल में मुलविस अफराद से रिकवरी करने की सिफारिश कर दी है। इस सिलसिले में मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि आज की काबीना की मीटिंग में एक बात तय हो गई कि जब तक इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हैं, अब कोई अंधाधुंध गरीब को लूट नहीं सकता। वो वक्त आ गया जब काबीना और वजीर आजम मुल्क गरीब दुश्मन इकदाम करते थे। सख्त प्रेशर के बावजूद कप्तान आज गरीब के लिए डट कर खड़ा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी की फ्रांसिक रिपोर्ट अभी कुछ देर में मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहबाज अकबर शहजाद अकबर आवाम के सामने रखेंगे और आवाम को पता चलेगा कि कैसे माफिया ने गरीब को लूटा। पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान किसान और आवाम का हुआ। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हुकूमत ने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी डी जी आई एस आई ए वाजिद ज़िया ने पेश की, हुकूमत आज उसको पब्लिक करने जा रही है। विफाकी काबीना ने यह फैसला कर लिया है। कुछ ही देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसकी ताज़ा तरीन इतलात भी लीगल इंफॉर्मेशन पर शेयर कर दी जाएंगी, क्योंकि काबीना का इजलास था। काबीना के इजलास में एक बड़ा फैसला हुआ है, इसलिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने लाइकर्स, अपने कमेंटेटर्स के साथ इस फैसले को शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।